ما شاء الله. شوف يا ابو بكر هذا منزل حلو ما شاء الله، الشمس يجي فوق. شوف هذا كويس ما شاء الله. شوف هنا كثير اطراف طريق في الرسيلة. شوف नाजरीन, मैं अल हवैया के अंदर आया हुआ हूँ। यहाँ पे कंक्रीट हो रही है तो कंक्रीट का काम चेक करने के लिए आया हुआ हूँ, तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। ये क्योंकि इलाका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सरसब्ज इलाका है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग। नाजरीन, जो लोग शौक़ रखते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों को विज़िट करने का और ख़ूबसूरती को इंतहाई करीब से देखने का, तो मैं उन लोगों को दावत देता हूं कि वो लोग आ जाएं अल हवैया के अंदर जो अल मंदक के बिल्कुल करीब ही है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेहद खुशी होगी, इंतहाई राहत फील होगी, दिलों को सुकून और दिमागी सुकून मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये वाला इलाका बहुत ही सरसब्ज़ो शादाब है। ये आप देख सकते हैं, ये इस इलाके की मैं ख़ुद तारीफ़ नहीं कर रहा, ये इलाका वाकई तारीफ़ के काबिल है। माशाल्लाह कितना ज़्यादा सब्ज़ा है अल हवैया के अंदर, माशाल्लाह तबारकल्लाह। इस इलाके के अंदर पूरे सऊदी अरबिया से सऊदी हजरात और विजिटर हजरात यहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए, अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए और अपने टाइम को अच्छा बनाने के लिए सारे लोग इस इलाके का रुख करते हैं। माशाल्लाह ये देखें नाजरीन, इंजीर का कितना प्यारा दरख्त है, अभी ये कच्चा फल लगा हुआ है यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद ये देखना इंशाल्लाह ये पक के तैयार हो जाएगा, तो फिर इसके खाने का बहुत ही मज़ा आता है। ये इंजीर है माशाल्लाह, ये बहुत ही ताकतवर और अच्छा फल होता है और पहाड़ी इलाकों में अक्सर ये पाया जाता है। ये देखें माशाल्लाह, ये नाजरीन अपनी आंखों से देख लें, ग्रीन चादर फैली हुई है इस पूरे इलाके के अंदर माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप अपनी आंखों से।
उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे, अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ तक हो सके नेकी की दावत दें, नेकी को फैलाएं, इस्लाम को आम करें, इस्लाम का पैगाम घर घर के अंदर पहुंचाएं, नेकी की दावत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ फ़ी इमानिल्लाह।